तिलावत दुर्रे अजम लोन साहिबा अस्सलाम वालेकुम प्यारे हजूर हुमा नूर हुदा शाह साहिबा
दार इस्लाम। अभी आपके सामने सूरह अल-अनफाल की आयात 21 ता 25 की तिलावत की गई है। अब इन आयात का उर्दू तर्जमा बयान फरमूदा हज़रत खलीफतुल मसीह राबे रहिमहुल्लाहु ताला पेश खिदमत है। अल्लाह के नाम के साथ जो बे इंतहा रहम करने वाला, बिन मांगे देने वाला और बार बार रहम करने वाला है। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और इसके बावजूद उससे रूगरदानी ना करो कि तुम सुन रहे हो, और उन लोगों की तरह ना हो जिन्होंने कहा था हमने सुन लिया, जबकि दर हकीकत वो सुन नहीं रहे थे। यकीनन खुदा के नज़दीक तमाम जानदारों में बदतरीन वो बहरे और गूंगे हैं जो अकल नहीं करते, और अगर अल्लाह उनके अंदर कोई भी अच्छी बात देखता तो उन्हें ज़रूर सुना देता, और अगर उन्हें सुना भी देता तो ज़रूर एराज करते हुए वो पीठ फेर जाते। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह और रसूल की आवाज़ पर लब्बैक कहा करो जब वो तुम्हें बुलाए, ताकि वो तुम्हें ज़िंदा करे, और जान लो कि अल्लाह इंसान और उसके दिल के दरमियान हायल होता है, और ये भी जान लो कि तुम उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। मंजूम कलाम हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बादाए इरफान पिला दे, हाँ पिला दे आज तू चेहरे ज़ेबा दिखा दे, मुझको पढ़ा दे वो सबक, मुझको पढ़ा दे, हाँ पढ़ा दे आज तू वो सबक, मुझको जिससे जल जाए ख्याल आते मनो
चश्मा बहा दे दिल से वो चश्मा बहा दे हाँ बहा दे आज तू दिल से वो चश्मा बहा दे इसको मिला दे खाक में इसको मिला दे हाँ मिला दे आज तू खाक में इसको उससे मिला दे हाँ मिला दे आज तू मुझको भी उससे تقسیم اسناد
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खाकसार प्यारे आका की इजाज़त से इन तालबात के नाम अनाउंस करेगी जिन्होंने इन साल तालीमी मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल की है। आज इन खुशनसीब तालबात को हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनसरुल अज़ीज़ के दस्ते मुबारक से इनामात और असनाद हासिल करने का शर्फ नसीब होगा अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे आका से गुजारिश है कि इन तालबात में इनामात तकसीम फरमाएँ। सबसे पहले अदीला जावेद साहिबा फ्रॉम हैम्बर्ग, डॉटर ऑफ मोहम्मद अनवर जावेद साहिब, सेकंड स्टेट एग्जामिनेशन इन डेंटिस्ट्री। अदीला जावेद साहिबा फ्रॉम हैम्बर्ग। मदीहा अवान साहिबा फ्रॉम ग्रीनबर्ग, डॉटर ऑफ बुशरा तारिक अवान साहिबा, सेकंड स्टेट एग्जामिनेशन इन टीचिंग विद 100% मार्क्स। इमराना नुजत चौधरी साहिबा फ्रॉम स्टुटगार्ट, डॉटर ऑफ इफ्तिखार अहमद चौधरी साहिब, सेकंड स्टेट एग्जामिनेशन इन टीचिंग विद 91% मार्क्स। मदीहा राना साहिबा फ्रॉम उल्म डोनाओ, डॉटर ऑफ हामिद अली शेख साहिब, सेकंड स्टेट एग्जामिनेशन इन टीचिंग विद 91% मार्क्स। दुर्रे अजम लोन साहिबा फ्रॉम डार्मस्टट सिटी, डॉटर ऑफ सईद अहमद लोन साहिब, फर्स्ट स्टेट एग्जामिनेशन इन टीचिंग विद 90% मार्क्स। आसिया परवीन साहिबा फ्रॉम फीडबैक, डॉटर ऑफ अहमद बख्श साहिब, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम लुगेंस्का यूनिवर्सिटी यूक्रेन विद 100% मार्क्स। हिना अजीज साहिबा फ्रॉम खाबन, डॉटर ऑफ मुनीर अहमद खान साहिब, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम पाकिस्तान विद 94% मार्क्स। शी इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। सुंदस फातमा मिर्जा साहिबा फ्रॉम क्रानिश साइंस ऑस्ट, डॉटर ऑफ मुजफ्फर अहमद साहिब, मास्टर ऑफ साइंस इन केमिकल इंजीनियरिंग, सी जी पी ए 3.70 आउट ऑफ 4। इमराना सबाहत अहमद साहिबा फ्रॉम राइनहाइम, डॉटर ऑफ रफीक अहमद साहिब, मास्टर ऑफ साइंस इन टेक्निकल बायोलॉजी विद 91% मार्क्स। आलिया हिना मलिक साहिबा फ्रॉम डॉर्टमुंड, डॉटर ऑफ असलम हयात मलिक साहिब, मैगिस्टर आर्थियम इन एथनोलॉजी विद 91% मार्क्स। जुनैबिया इफ़त साहिबा फ्रॉम वाबन, डॉटर ऑफ सज्जाद अब्दुल्ला नदीम साहिब, मास्टर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम कुर्दुबा स्पेन विद 91% मार्क्स। सना भट्टी अहमद साहिबा फ्रॉम मनहाइम नॉर्थ, डॉटर ऑफ मबरूर अहमद भट्टी साहिब, मास्टर ऑफ आर्ट इन इंटरनेशनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉरेन ट्रेड्स विद 90% मार्क्स। अतिया जफर साहिबा फ्रॉम वाइटस्टर, डॉटर ऑफ अब्दुल जलील जफर साहिब, मास्टर ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग विद 88% मार्क्स। अमतुल रफीक अठवाल साहिबा फ्रॉम बर्लिन, डॉटर ऑफ सुल्तान अहमद अठवाल साहिब, मास्टर ऑफ साइंस इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग विद 87% मार्क्स। गेती आरा कलीम साहिबा फ्रॉम फ्रैंकफर्ट, डॉटर ऑफ अहमद कलीम साहिब, मास्टर ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट एंड फाइनेंस विद 87% मार्क्स। ऐनतुल बुशरा मलिक साहिबा फ्रॉम हैम्बर्ग, डॉटर ऑफ मोहम्मद रजाक गुराया साहिबा, मास्टर ऑफ साइंस इन प्रोसेस एंड केमिकल इंजीनियरिंग विद 85% मार्क्स। तस्मिया खोकर साहिबा फ्रॉम हैम्बर्ग, डॉटर ऑफ बिलाल अहमद खोकर साहिब, मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग बायोमेडिकल विद 85% मार्क्स। फायजा फिरोजा साहिबा फ्रॉम लंगन, डॉटर ऑफ महमूद अहमद साहिब, मास्टर ऑफ साइंस इन सोशियोलॉजी फ्रॉम पाकिस्तान, सी जी पी ए 3.69 आउट ऑफ 4। शाइस्ता अंदलीप साहिबा फ्रॉम कोबलेंस, डॉटर ऑफ अब्दुल रऊफ नाज साहिब, मास्टर ऑफ फिलोसफी इन फिजिक्स फ्रॉम पाकिस्तान, सी जी पी ए 3.32 आउट ऑफ 4। नबीला रऊफ नाज साहिबा फ्रॉम कोबलेंस, डॉटर ऑफ अब्दुल रऊफ नाज साहिब, मास्टर ऑफ फिलोसफी इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फ्रॉम पाकिस्तान, सी जी पी ए 3.30 आउट ऑफ 4।
Musarrat Saba Sahiba from Waiblingen, daughter of Bisharat Ahmed Bhatti Sahib, Master of Commerce in Commerce from Pakistan, CGPA 3.70 out of 4. Shazia Nasir Sahiba from Rukhsal, daughter of Nasir Ahmed Sahib, Master of Philosophy in Physical Chemistry from Pakistan, CGPA 3.37 out of 4. Bushra Niaz Sahiba from Neuburg, daughter of Saifullah Sahib, Master of Philosophy in Education from Pakistan, CGPA 3.34 out of 4. Farhat Banu Rana Sahiba from Godelau Nord, daughter of Muhammad Yunus Sahib, Master of Science in Physics from Pakistan, 888 points out of 1200. Shazia Rafiq Sahiba from Waldorf, daughter of Shafiq Ahmed Sahib, Master of Science in Physics from Pakistan with 78% marks. Sabiha Naz Qureshi Sahiba from Rüsselsheim Ost, daughter of Munir Ahmed Qureshi Sahib, Bachelor of Arts in World Business Study with 95% marks. Saima Ilyas Sahiba from Freinsheim, daughter of Muhammad Ilyas Atwal Sahib, Bachelor of Arts in Business Administration with 93% marks. Sobia Mohiuddin Sahiba from Limburg, daughter of Ghulam Mohiuddin Sahib, Bachelor of Science in Computer Science with 91% marks. Saveya Grefe Sahiba from Hamburg, daughter of Olaf Grefe Sahib, Bachelor of Arts in English with 90% marks. What did you do? Maria Shoaib Sahiba from Schleswig, daughter of Muhammad Shoaib Sahib, Bachelor of Art in Social Science with 89% marks. Madiha Ilyas Sahiba from Fungstad, daughter of Rana Muhammad Ilyas Sahib, Bachelor of Science in Psychology with 89% marks. Anila Ahmed Sahiba from Reinheim, daughter of Rafiq Ahmed Sahib, Bachelor of Art in Language and Cultural Science with 89% marks. Maliha Mahmood Sahiba from Hanau, Bachelor of Arts in Online Journalism with 89% marks. Anam Kamar Sahiba from Schlüchten, daughter of Kamruddin Sahib, Bachelor of Arts in Language, Literature and Culture with 89% marks. Anam Ahmed Sahiba from Aachen, daughter of Sadiq Dogar Sahib, Bachelor of Science in European Public Health with 89% marks. Maida Ahmed Sahiba from Frankfurt, daughter of Idris Ahmed Sahib, Bachelor of Arts in Educational Science with 88% marks. Quratulain Anwar Sahiba from Frankfurt, daughter of Mahmoud Anwar Sahib, Bachelor of Arts in Business Administration with 88% marks. Noreen Mehru Ahmed Sahiba from Frankfurt, Griesheim, daughter of Mushtaq Ahmed Chatta Sahib, Bachelor of Science in Medical Computer Science with 87% marks. Madiha Ahmed Sahiba from Stuttgart, daughter of Yahya Rafiuddin Ahmed Sahib, Bachelor of Arts in International Human Resource Management Organization with 87% marks. Rizwana Anjum Rauf Sahiba from Frankfurt, daughter of Abdul Rauf Sahib, Bachelor of Arts in Islamic Religion with 87% marks. Nidaul Nasir Sahiba from Frankfurthausen, daughter of Laik Ahmed Sahib, Bachelor of Arts in Educational Science with 86% marks. Zahida Malik Sahiba, inki jo mother hain, wo aaj inka award vasool karengi. Anila Ahmed Sahiba from Richter, daughter of Rafiq Ahmed Janjua Sahib, Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering with 85% marks. Sidra Yunus Sahiba from Langen, daughter of Muhammad Yunus Sahib, Bachelor of Science in Aeronautical Engineering from Dubai, CGPA 2.96 out of 4. Maliha Iram Sahiba from Sweden, BSc Microbiology and Molecular Genetics from Punjab University. Navidul Falah Ehsan Sahiba from Amsterdam, daughter of Muhammad Said Ahmed Basra Sahib, BSc Food Science and Technology from Pakistan, CGPA 3.94 out of 4. Ab khaksar in talibat ke naam pesh karegi jinhone imsal A-level yani abitur ki taleem mukammal ki hai.
Parwa Yusuf Sahiba from Freinsheim, daughter of Muhammad Yusuf Sahib, with 100% marks. Sundas Hina Sahiba from Immenhausen, daughter of Nasir Jajja Sahib, with 99% marks. Nadia Mahmood Chima Sahiba from Lüdenscheid, daughter of Nasir Ahmed Chima Sahib, with 99% marks. Rida Ahmed Sahiba from Mürfelden, daughter of Sheikh Mansoor Ahmed Sahib, with 97% marks. Gulshan Shehzadi Sajid Sahiba from Mülheim, daughter of Razia Banu Sahiba, with 94% marks. Amara Ahmed Sahiba from Koblenz, daughter of Masood Ahmed Sahib, with 93% marks. Samreen Javed Dar Sahiba from Weingarten, daughter of Javed Iqbal Dar, with 93% marks. Basma Rana Sahiba from Khul Moshe, daughter of Rana Imran Afzal Sahib, advanced college entrance qualification, yani Fachabitur, with 99% marks. Anam Khan Sahiba from Weingarten, daughter of Mansoor Ahmed Khan Sahib, advanced college entrance qualification, yani Fachabitur, with 97% marks. Bushra Iqbal Sahiba from Hamburg, daughter of Naseem Iqbal Sahib, O-level, yani Real Abschluss, with 99% marks. Fakhra Shaheen Malik Sahiba from Heimfeld, daughter of Ijaz Ahmed Malik Sahib, O-level, yani Real Abschluss, with 97% marks. Jazakumullah. Dostum. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يهاں جو شروع میں تلاوت کی گئی ہیں آیات اس کی پہلی آیت تھی ہمیں اس طرح توجہ دلاتی ہے کہ اگر تم مومن ہو جو مومن کہلاتے ہو جو مومن اور مومنہ بننے کا دعویٰ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیع اللہ و رسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس اطاعت سے ان احکامات سے منہ نہ پھیرو جب کہ تم سن رہے ہو تم تک یہ احکامات پہنچائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتیں تم تک پہنچائی جا رہی ہیں
ये इताअत का सबक और हुक्म तुम्हें क्यों दिया जा रहा है? इसलिए कि ताकि तुम जहाँ इन हालतों को सुधारने वाले बन सको, वहाँ इसकी वजह से तुम में इकाई पैदा हो, और ज़ाती तौर पर भी और जमाती तौर पर भी तुम्हें तरक्यात और कामयाबियाँ नसीब हों। ये हम पर अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने अपने अहकामात को कुरान करीम में नाज़िल फरमाकर फिर आज तक उन्हें महफूज भी रखा हुआ है, और ये भी फरमा दिया कि हर ज़माने के लिए यह अहकामात हैं। फिर इस ज़माने में हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम को भेजकर इन अहकामात को खोलकर हमारे लिए मुहैया करने के सामान भी पैदा फरमा दिए, और फिर खिलाफत अहमदिया के साथ वाबस्ता करके हमें जहाँ अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करने, उसकी इताअत करने की तरफ तवज्जो दिलाने के सामान किए, वहाँ ये भी फरमा दिया कि इस इताअत की वजह से तुम हमेशा खिलाफत के इनाम से भी फैतयाब होते रहोगे, तुम्हारी इकाई और ताकत भी कायम रहेगी, और अल्लाह ताला के फजलों को हासिल करते चले जाने वाले रहोगे। बस अगर किसी का ये दावा है कि मैं जमात का मेंबर हूँ, जमात अहमदिया में शामिल हूँ और खिलाफत अहमदिया को मानती हूँ और हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम को मसीह मौऊद और मेहदी मौऊद समझती हूँ, तो अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकामात का कामिल जुआ अपनी गर्दन पर डालना होगा, कामिल इताअत की तरफ के लिए अपने आप को पेश करना होगा। कोई अहमदी जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की के अहकामात से जानबूझकर बाहर निकलता है, वो अहमदी ही नहीं। बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, कोताहियाँ हो जाती हैं, कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं, लेकिन अगर इरादतन कोई इन अहकामात से बाहर निकले तो उसका मतलब है वो अपने आप को उस निज़ाम से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है जो अल्लाह ताला ने कायम फरमाया। इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी शरायत बैत में ये भी शर्त रखी है कि इत्तबाए रसम और मुताबियत हवा व हवस से बाज आ जाएगा और कुरान शरीफ की हुकूमत को बकुल्ली अपने सर पर कबूल करेगा और काल अल्लाह और काल रसूल को अपने हर यक राह में दस्तूरुल अमल करार देगा। यानी एक अहमदी रस्म व रिवाज के पीछे नहीं जाएगा, हवा व हवस दुनिया की लालच और हवस और फैशन उनके पीछे नहीं जाएगा, गलत बातों की तरफ पीछे नहीं जाएगा, और कुरान करीम के अहकामात जो हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अमल करने की कोशिश करेगा, और जो अल्लाह ताला और उसके रसूल ने बताया है उसको असूल बनाकर उस पर अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेगा। ये है एक अहमदी की लिए शर्त अहमदी होने की। बस ये उन शरायत में से एक शर्त है जिस पर एक अहमदी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बैत में आने का दावा करता है, या
मर्द हो या औरत, दोनों के लिए है। अगर कोई अपने रस्म व रिवाज के पीछे चल रहा है और माशरे के गलत तौर तरीके उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं तो बैत का हक अदा नहीं कर रहा। अगर दुनिया की तरजीहात और माशरे का असर उसे दीन की बातों पर अमल करने से रोक रहा है तो ये कमज़ोरी उसे बैत के हक की अदायगी से दूर ले जा रही है। अगर कुरान करीम के अहकामात को कोई नाकाबिले अमल करार देता है तो वो ना ही बैत का हक अदा कर रहा है ना ही इस्लाम में शुमार हो सकता। अगर अल्लाह ताला और उसके रसूल की बातों पर अमल नहीं तो अहमदी होने का दावा भी झूठ है। अहमदियत तो है ही अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म और हर कॉल पर अमल की हत्तुल मक्तूर कोशिश और कामिल इताअत का नाम। और जैसा कि मैंने कहा, अल्लाह ताला का हम पर यह एहसान है कि उसने हमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को मानकर फिर खिलाफत के निज़ाम से वाबस्ता कर दिया, जिसके ज़रिए से अफराद जमात को, मर्दों को भी, औरतों को भी, जवानों को भी, बूढ़ों को भी बार बार अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है। और इसी तरह निज़ाम जमात भी इस काम के लिए मुकर्रर है और निज़ाम जमात को ये काम करने चाहिए और तकवा पर चलते हुए करने चाहिए, यानी जो अहदेदार मुकर्रर हैं उनको। अगर हम में से कोई इन बातों की तरफ तवज्जो नहीं देता जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकामात की तरफ तवज्जो दिलाती हैं तो वो मर्द हो या औरत अपने ईमान को ज़ाया कर रहा है, वो जमात की मजमूई ताकत को नुकसान पहुंचा रहा है, वो दुनिया के सामने अपने अमल और तालीम में तदाद की वजह से, इख्तिलाफ की वजह से गैरों के सामने भी इस्लाम की गलत तस्वीर पेश कर रहा है। बस हर अहमदी मर्द और औरत की ज़िम्मेदारी है कि अपने जायज़े लें कि हम किस हद तक अतीउल्लाह और अतीउर रसूल पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम कोई ऐसा मज़हब नहीं है जो ऐसे अहकामात देता हो जिनमें हिकमत नहीं है या ऐसे हुक्म देता हो जिससे इंसान को और माशरे को फ़ायदा ना पहुँच रहा हो या अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किसी ऐसी इताअत का हुक्म दे रहे हों जो सिर्फ़ इंसान को पाबंद करना चाहती हो। अल्लाह ताला को हमारे किसी पाबंदी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो हुक्म हैं हमारे फ़ायदे के लिए हैं, हमारी ज़िंदगियों को संवारने के लिए हैं। बल्कि ये इताअत जहाँ हमारी ज़िंदगियों को संवारती है, अल्लाह ताला की खुशनूदी का मोहरत बनाते हुए फलाह पाने वाला बनाएगी। अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है कि जो मोमिनीन अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाने पर ये कहते हैं कि समय ना वात आना, कि हमने सुना और हमने मान लिया, तो फरमाया कि वह उलाए का हमुल मुफले हूँ, और वही लोग हैं जो कामयाब हुआ करते हैं। सुनकर इताअत करने वाले लोग ही फलाह पाने वाले हैं, उन्हें कशाइश भी अता होती है, वो कामयाबियाँ भी हासिल करने वाले हैं, वो उन फ़ायदा मंद और नेक ख्वाहिशात को हासिल करने वाले हैं जिनकी वो ख्वाहिश करते हैं या हासिल करना चाहते हैं। यकीनन एक मोमिन जो है उसकी ख्वाहिशात हमेशा नेक ही हुआ करती हैं, वो लघवियात की तो ख्वाहिश नहीं कर सकता। और फिर
खुशी और अच्छी हालतों के पाने वाले भी होते हैं। इन्हीं लोगों को जो इताअत करते हैं खुशियाँ भी मिलती हैं और उनकी हालतें भी बेहतर होती हैं। वो अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं और अल्लाह ताला के हुक्मों पर चलने की वजह से आसानियों और फजलों की हालत कायम रहने वाली उनकी बन जाती है हमेशा के लिए। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि वमन युतिअल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यतक फौलाइका हुमुल फायजून। जो लोग अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करें और अल्लाह से डरें और उसका तकवा इख्तियार करें वो बामुराद हो जाते हैं, उनको कामयाबियाँ मिलती हैं, उन्हें फतुहात मिलती हैं, वो अपने मकासद को हासिल कर लेते हैं। बस कामयाबियाँ और फतुहात और अल्लाह ताला के इनामात का वारिस बनने वाले वही लोग हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के हुक्मों पर चलने वाले और हर बात को सुनकर इताअत करने वाले हैं। और जमात की कामयाबियों तरक्यात भी इसी से वाबस्ता है। एक शख्स चाहे वो औरत है या मर्द, जब बैत में आता है तो ये अहद करता है कि मैं सिर्फ अपने आर्जी और दुनियावी फ़ायदे को ही सब कुछ नहीं समझता बल्कि मेरा दीन मुझे हर चीज़ पर मुकद्दम है। मैं जमात के निज़ाम और इसकी तरक्की के लिए कोशिश करूँगा। बस इसके कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर एक ख़ास तब्दीली पैदा करते हुए और अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत पर अमल करें, तभी हमारी इकाई कायम रहेगी, तभी जमात का एक खूबसूरत तसव्वुर हम दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर हर एक अपनी मर्ज़ी की बातें कर रहा हो, जो दिल में उसके चाहे वही कर रहा हो, अगर हर एक अपने मुफादात को ही फौकियत दे रहा हो, अगर अपने मुफाद में हो तो अल्लाह ताला और उसके रसूल की बात मान ली जाए, अगर मुआशरे के खौफ या माहौल की अमूमी हालत हमें बाज़ अहकामात पर अमल करने से झीपने और शर्माने वाली बना रही हो, अगर हम ये समझ रहे हों कि बाज़ बातों में मेरी तरक्की माशरे की अमूमी रोक के साथ चलने में है, अमूमी रॉ के साथ चलने में ही है, तो वो गलत है। वो अपने आप को भी अल्लाह ताला के फजलों से मरूम कर रहा है और कर रही है, चाहे वो मर्द है या औरत। और जमात के लिए भी ना सिर्फ बदनामी का बायस बन रहे हैं बल्कि जमाती तरक्की में भी रोक है, बल्कि इससे भी ज़्यादा वो समझता है या समझती है कि अल्लाह ताला के अहकामात फरसूदा हैं और इस नए ज़माने से मुताबकत नहीं रखते। जैसा कि मैंने पहले बताया, कुरान करीम हर ज़माने की किताब, उसके ख़्याल में अल्लाह ताला की इताअत और उसके रसूल की इताअत उसे ज़माने की तरक्या से महरूम करके पुराने ज़माने में धकेल रहे हैं। ऐसी सोच रखने वालों को याद रखना चाहिए कि दुनिया जिस बात को अपनी तरक्की पर मामूल करती है वो तबाही के गड़े हैं जिसमें गिरकर एक दिन वो तबाह बर्बाद होने वाली है, और कामयाबियों और तरक्यात और हिफाजत के रास्ते अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने में ही हैं। हिफाजत के हिसार अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत ही है। इस ज़माने में जो रास्ते हमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने दिखाए हैं वही आफियत के हिसार की तरफ ले जाने वाले हैं। गुज़श्ता दिनों यहाँ फ्रैंकफर्ट में ही इसी दौरे के दौरान
मुझे यूनिवर्सिटीज़ के कुछ प्रोफेसर मिलने के लिए आए, तकरीबन रिलीजियस स्टडीज़ के थे सारे, या मज़हब या कल्चर के ताल्लुक था उनका। उनमें से एक ने कहा कि तुम लोग यानी अहमदी बड़े खुले दिल के हो, सारे काम ऐसे करते हो तुम लोग जिससे मुल्क से वफादारी भी ज़ाहिर होती है और दूसरों के हकूक़ का ख्याल भी रखा जाता है, या कम अज़ कम तालीम ये देते हो। सारे काम लेकिन तुम्हारी जमात का 50% हिस्सा इन कामों में शामिल नहीं। जब मैंने उससे कहा कि तुम्हारी इससे क्या मुराद है, तो कहने लगा कि ये औरतों और मर्दों की तफरीक जो तुम्हारे अंदर है, ये औरतों को महरूम कर रही है काम करने से। मैंने कहा ये तफरीक क्या है, बताओ ज़रा। तो उन्होंने कहा मसलन इकट्ठे डांस करना और क्लबों वगैरह में जाना। ये तरक्की है, और इनका अगर क्लबों में नहीं जाते तो ये तुम एक हिस्से को महरूम कर रहे हो। तो मैंने उस प्रोफेसर साहब को कहा कि तुम्हें मज़हब और अपनी इन रवायात में फ़र्क करने की ज़रूरत है। मेरी यहाँ ना, मैं यहाँ ये भी वजाहत कर दूँ कि जहाँ तक डांस और क्लबों में जाने का सवाल है, ना मर्दों को इजाज़त है ना औरतों को, ना मर्द और औरत को इकट्ठे जाने की इजाज़त है ना अलहदा अलहदा जाने की। अगर मर्द जाते हैं तो वो भी गुनाह करते हैं। बहरहाल मैंने उन्हें ये कहा कि ईसाइत अपनी तालीम भूल चुकी है और अपने अंदर रखने के लिए या अपने अंदर समेटे रखने के लिए लोगों को, जो लोगों ने कल्चर और आज़ादी के नाम पर गलत रवायात राइज कर ली हैं, उनको मसब का हिस्सा बना लेते हैं। लेकिन हम इस्लामी तालीमात पर अमल करने वाले हैं, इसलिए हमें तो जो हमारा मज़हब कहता है हमने उसके मुताबिक चलना है। मैंने कहा कि आयरलैंड जो बड़ा ईसाइत पर कायम मुल्क यूरोपियन ममालिक में अपने आप को कहता है कि मज़हब पर बड़े कायम हैं, वो लोग ईसाइत से अभी तक उनका ताल्लुक है और उनकी बड़ी अक्सरियत ईसाइत पर कायम है, मज़हब पर कायम है। वहाँ हम जिंसी का कानून पास करने के लिए रेफरेंडम हुआ तो लोगों ने उसके हक़ में कसरत से राय दी, गुज़श्ता दिनों की बात है। इस पर वहाँ के आर्च बिशप ने कहा कि लोगों की राय के एहतराम में हमें भी यानी चर्च को भी इस बारे में ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए और इस बात को अपना लेना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन हम कहते हैं कि लोगों का काम है कि मज़हब की तालीमात पर अमल करें, मज़हब का काम नहीं है कि लोगों की मर्ज़ी से चले। अगर किसी मज़हब को मानना है तो आपका फ़र्ज़ है, मानने वालों का फ़र्ज़ है उसकी तालीम पर अमल करें। मज़हब आपकी हिदायत पर नहीं चलेगा, मज़हब आपकी हिदायत के लिए आता है। बस हम तो उस बात पर अमल करते हैं और चलते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें बताई है, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बुराइयां हैं, इनसे बचो। मैंने उनको बताया कि तुम्हारी बाइबल में भी ये लिखा हुआ है कि ये बुराई है, अब इनसे बुराइयों से बचोगे तो तभी कामयाबियां हासिल करोगे, तभी तुम्हारी तरक्की होगी, तभी तुम्हें
दीनी और दुनियावी तरक्की मिलेगी। मैंने उनसे कहा कि तुम जिसे औरत और मर्द की तफरीक कहकर बुराई समझते हो या समझते हो कि इसकी वजह से औरत के हकूक सब हो रहे हैं, यही अच्छाई है। दरअसल वो कहना ये चाहते थे कि तुम लोग इस तरह औरत की आज़ादी सलब करते हो। उन्हें मैंने जलसों और इज्तिमाओं की मिसाल देकर कहा कि इस तरह औरतें ज़्यादा आज़ादी से और ज़्यादा एतमाद से अपने काम सर अंजाम देती हैं। बस हमें किसी एतराज़ करने वाले के ना किसी एतराज़ से मुतासर होने की ज़रूरत है, ना इस मुआशरे में रहते हुए इन बातों से डर कर अपनी रवायात और तालीम को छोड़कर अपनी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। ये मज़हब से दूर हटे हुए या इस्लामी तालीमात पर एतराज़ करने वाले लोग हमारे हमदर्द बनकर हमें मज़हब से दूर हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखें कि अल्लाह ताला के हर हुक्म में हिकमत है, और हर हुक्म, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि हमारे फ़ायदे के लिए है। इसलिए बजाय ऐसे लोगों की बातों में आने के, हर औरत को, हर अहमदी लड़की को अपना दीनी इलम बढ़ाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने बास पाबंद करने वाले अहकामात अगर औरतों को दिए हैं तो उनके फ़ायदे के लिए ही दिए हैं, और सिर्फ औरतों को ही पाबंद नहीं किया गया बल्कि मर्दों को भी पाबंद किया गया है। लेकिन दीन से हटाने वाले या हटाने वाली कुव्वतें औरतों को यही कहती हैं कि देखो तुम्हारे मर्द आज़ाद हैं और तुम्हारे पर पाबंदियाँ हैं, हालांकि ये सिर्फ शैतानी वसावस हैं। जो शैतान हमारे दिलों में मुख्तलिफ तरीक़ों से डालने की कोशिश करता है। अल्लाह ताला तो अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है, वो जब अपनी इताअत का और अपने रसूल की इताअत का हुक्म देता है तो हमें तबाही से बचाने के लिए हुक्म देता है। बस एक हकीकी अहमदी को बड़ी कोशिश से अल्लाह ताला और उसके रसूल के हुक्मों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, और इसी में हमारी ज़िंदगी और बका है। अगर ये नहीं तो हमारी ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएंगी। चंद दिन की दुनियावी ज़िंदगी है, उसके बाद फिर खौफनाक अंजाम भी हो सकता है। अल्लाह ताला हर एक को इससे बचाए। अल्लाह ताला अपने अहकामात पर अमल करने वाले के लिए जहाँ इस दुनिया में उसके लिए भलाई के सामान पैदा फरमाता है, वहाँ अगले जहान में भी उसके कई गुना उसे कई गुना सवाब को मुस्तहिक बनाता है। मैं उन लड़कियों से भी कहता हूँ जो यहाँ पली बड़ी हैं या जो पाकिस्तान से आकर ये समझती हैं कि इस मुआशरे में औरत के बड़े हकूक हैं और यहाँ आज़ादी है, और इस आज़ादी की वजह से इन कौमों की तरक्की है। याद रखें, इनको अगर कोई दुनियावी तरक्की मिल रही है, दुनियावी तरक्की मिल रही है तो इनकी मेहनत की वजह से और दुनियावी इल्म में तरक्की की वजह से है। दीन का और रूहानियत का खाना इनको बिल्कुल खाली है। इनको इससे कोई गरज नहीं कि खुदा है या नहीं, या खुदा ताला के अहकामात हैं और इन पर अमल करना ज़रूरी है या नहीं। लेकिन एक मोमिना और मोमिन जो इस ज़माने में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात में दीन की खातिर शामिल हुआ है, अपनी दुनिया व आकबत संवारने के लिए शामिल हुआ है, तो उसे याद रखना चाहिए कि दीन खुदा ताला और उसके रसूल पर, रसूल के अहकामात पर अमल करने का नाम है। आप अगर खुदा ताला के हुक्मों पर चलते हुए मेहनत करेंगी, इल्म में बढ़ेंगी, तो ये चीज़ें तो मिल ही जाएंगी। लेकिन एक सबसे अहम चीज़ जिससे दुनियादार महरूम है और जो इंसानी ज़िंदगी का मकसद है,
उसे भी हासिल करने वाली बनेंगी, और वो खुदा ताला की रज़ा है, अपनी आँख पर संवारना है। अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम से आपके मानने वालों के इल्म मारफत में बढ़ने की तरक्की या तरक्की का वादा फरमाया है, बढ़ने का या तरक्की का। बस ये दीनी और दुनियावी तरक्यात तो उन्हें मिलनी है या हमें मिलनी है जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के, लेकिन जो अल्लाह ताला और उसके रसूल के साथ चिमटे रहेंगे वो उसके फजलों को भी हासिल करने वाले होंगे। जब हमने हज़रत मसीह मौऊद अलैहि सलाम के की बैत का दावा किया है तो फिर हमारे हर काम में बरकत तभी पड़ेगी जब हम इस दुनियावी आज़ादी पर चलने के बजाय दीन को दुनिया पर मुकदम करेंगे, और जब ये होगा तो दुनिया हमारी लौंडी बन जाएगी, दुनिया आपके पीछे चलेगी। दुनिया वाले फिर आपसे हिदायत हासिल करेंगे, जिनको खुदाई वादों पर यकीन नहीं वो बेशक ये समझें कि इतनी छोटी सी जमात किस तरह दुनिया को अपने पीछे से चला सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके आसार शुरू हो गए हैं। जर्मनी में ही आप देख लें कि जो आज से 10 साल पहले जमात की पहचान इस मुल्क में थी उससे 10-20 गुना ज़्यादा पहचान है। पढ़े लिखे तबके में हमारी बात का जो अब वज़न है इससे पहले इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बस कौमों की तरक्की इसी तरह मंजिलें तय करती है, और अल्लाह ताला के फजल से हर चढ़ने वाला दिन हमें इस तरक्की की मंजिल दिखाता है। लेकिन हमारी ये पहचान दीन से हटकर नहीं है, याद रखें हमेशा दीन पर कायम रहते हुए ही जमात अहमदिया की पहचान है। बस किसी किस्म के एहसास कमतरी में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाने की हर अहमदी औरत और मर्द को कोशिश करनी चाहिए, और इसी की ज़रूरत है ताकि हम कामयाबी की मंजिलों को जल्द से जल्द हासिल करने वाले बन सकें। अगर किसी को सिर्फ दुनिया की हाव हू चाहिए, शोर शराबा चाहिए, रौनकें चाहिए, तो बेशक दुनिया के पीछे चलें। ऐसे लोगों को ये ज़ाहरी नाम नहाद आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन याद रखें इस आज़ादी के पीछे इनकी बेचैनियाँ हैं। ये दुनिया वाले लोग हैं वो भी बेचैन हैं, और उनकी बेचैनियाँ भी नज़र आती हैं। इन लोगों के बाहर जो चमक नज़र आ रही है ये ज़ाहरी खौल है, इसके अंदर कुछ नहीं है। इनके ज़ाहरी कह के डांस क्लब, गुलकपाड़ा, शराब नोशी इनके दिलों की बेसकूनी की सकूनी को दूर करने के लिए ज़ाहरी तदबीरें हैं, लेकिन बेमकसद और बेनतीजा तदबीरें हैं। इनकी आज़ादी के पीछे इनके दिलों की बेचैनियाँ हैं, जिन्हें इन दुनियादारों ने, जैसा कि मैंने कहा, खौल चढ़ाकर छुपाने की कोशिश की है। अगर इनके दिलों के अंदर झांक कर देखें तो भयानक नज़ारे नज़र आते हैं। इनके दिल की बेचैनियाँ उन्हें क्लबों में लेकर जाती हैं, शराब खानों में लेकर जाती हैं, नशों में मुबतला करती हैं। अगर दुनिया ही सब कुछ है तो फिर दुनिया के अदाद व शुमार ये क्यों ज़ाहिर करते हैं? ये हकीकत है कि मौशी लिहाज से बेहतर मुल्कों में खुदकशियाँ बढ़ रही हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि दिलों में बेचैनियाँ हैं। बस अगर दिलों की बेचैनियों को दूर करना है तो इसके लिए खुदा ताला के बताए हुए असूल पर अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल कुलूब, कि सुनो
اللہ ہی کے ذکر سے دل اطمینان پکڑتے ہیں. بس جتنا زیادہ کوئی خدا تعالیٰ کی طرف جھکے گا, اسے یاد کرے گا, اتنا ہی اس کے دل کو اطمینان نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ انسانی فطرت کا تقاضا رکھا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف جائے اگر اسے اطمینان قلب چاہیے. دنیاوی ہاؤ ہو جو ہے وہ دلوں کو بے چین کرتی ہے, اس سے دلوں کو چین نصیب نہیں ہوتے. خدا کرے کہ دنیا اس بات کو سمجھ لے, اور سب سے پہلے تو ہم سمجھنے والے ہوں, تاکہ دنیا کو اس غلاظت اور بے سکونی سے باہر نکالیں. حقیقی آزادی ہم نے دنیا کو دینی ہے, اور وہ آزادی خدا تعالیٰ کی غلامی اور اطاعت میں آنے میں ہی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسی شے ہے جو قلوب کو اطمینان عطا کرتا ہے, جیسا کہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بس جہاں تک ممکن ہے ذکر الہی کرتا رہے, اس سے اطمینان حاصل ہوگا. ہاں, اس کے واسطے صبر اور محنت درکار ہے, اس کے واسطے صبر اور محنت درکار ہے. اگر گھبرا جاتا ہے اور تھک جاتا ہے تو پھر یہ اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا. بس صبر اور مستقل مزاجی شرط ہے. پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قلوب اطمینان پاتے ہیں, لیکن اس کی حقیقت اور فلسفی یہ ہے کہ جب انسان سچے اخلاص اور پوری وفاداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو اس کے سامنے یقین کرتا ہے, اس سے ایک خوف عظمت الہی کا پیدا ہوتا ہے. وہ خوف اس کو مکروہات اور مناہیات سے بچاتا ہے, اور انسان تقوی اور طہارت میں ترقی کرتا ہے. بس یہ حقیقت ہے انسانی زندگی کی, اور یہ مقصد ہے انسانی زندگی کا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑا جائے, اس کے احکامات پر عمل کیا جائے, اور یہ اس کے ذکر سے ہی اور اس کو یاد رکھنے سے ہی ہوگا. اور نہ صرف دلوں کے اطمینان کے سامان ہوں گے, بلکہ تمام وہ باتیں جو مکروہ ہیں, جن کو دنیا دار تو بے شک نئے زمانے کی روشنی سمجھتا ہے, لیکن خدا تعالیٰ کی نظر میں تباہی کے گڑھے میں ڈالنے والی ہیں, ان سے انسان بچتا رہتا ہے. اس ذکر سے, ان تمام باتوں سے جو مناہیات ہیں, جن کے نہ کرنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اس سے ایک مومن اور مومنہ بچے رہیں گے. بس اگر اپنے آپ کو جماعت میں شمار کروانا ہے, ان حقیقی احمدیوں میں شمار کروانا ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام چاہتے تھے, تو پھر اس بات کا صرف دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت کو بھی ظاہر کرنا ہوگا کہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں شامل ہوں. تو ان نام نہاد دنیاوی آزادیوں اور چکا چون سے اپنے آپ کو بچا کر حقیقی مومن بنوں, اور بس یہی ہمارا کام ہے کہ ہم حقیقی مومن ہم نے بننا ہے اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. میں یہ بھی بتا دوں کہ میں صرف علمی باتیں نہیں کر رہا, جماعت میں ہی بہت سے ایسے ہیں جو اس نسخے کو آزما کر دلی سکون پانے والے بنے ہیں اور بن رہے ہیں. اور یہ صرف خیالی باتیں نہیں کہ جو دنیا داری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے باہر نکلیں انہیں بے چینیاں ملتی ہیں, بلکہ بہت سی عورتیں اور مرد مجھے لکھتے ہیں کہ ان دنیاوی رنگینیوں میں ہم جو آزادی اور معاشرے کی ترقی سمجھ کر گئے تھے, اس دنیا داری میں ڈوب گئے تھے, وہ اصل میں دھوکہ تھا, اور اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے, اس لیے ہمیں معاف کر دیں اور دوبارہ جماعت میں سمو لیں. اور ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم کبھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نہیں نکلیں گے. بس یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی
تسکین قلب عطا کرتی ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ اس معاشرے کے اثر میں آ کر ہم اطاعت سے باہر نکل کر پھر بے سکون زندگی کا تجربہ کریں, پہلے ہی خدا تعالیٰ کی بات مان کر خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کی بے حیائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. جس نے آزادی کے نام پر عورتوں کو ننگا کر دیا, جس نے آزادی کے نام پر مردوں کو دین اور خدا سے باغی کر دیا ہے, جس نے آزادی کے نام پر حیا اور بے حیائی کی تمیز مٹا دی ہے, یہ تمیز مٹنے کا ہی اثر ہے کہ بظاہر ایک مذہبی تعلیم کے پروفیسر یہ سوال کر رہے ہیں کہ عورتوں کی مردوں کے ساتھ ڈانس گانے اور کلبوں میں جانے پر تم پابندی کیوں لگاتے ہو. بس ہر عورت اور مرد جرات سے کھڑے ہو کر ایسے لوگوں کے سامنے یہ کہیں کہ اگر بے حیائی آزادی ہے تو ایسی آزادی غیر مومنوں کو مبارک ہو. ایک مومن تو ایسی آزادی کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس سے خدا کی اطاعت سے انسان باہر نکلتا ہو اور خدا کی ناراضگی مول لینے والا ہو. اگر کوئی یہ کہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس آزادی کے پیچھے ہے تو یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ صحیح ہیں. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا, آپ اس لیے آئے تھے کہ یہ بگاڑ پیدا ہو چکا ہے, اسے سدھارنا ہے. آپ نے یا آپ کے باپ دادا نے جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے احمدیت قبول کی تھی کہ ہم نے اس کام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہاتھ بٹانا ہے. بعض عورتیں عرب ممالک کی بھی جو احمدی عورتوں پر بعض اعتراض کرتی ہیں, ان کے اپنے لباس اس قدر تنگ ہوتے ہیں کہ جسموں کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے. جو ابھی احمدی تو نہیں ہوئی لیکن اعتراض شروع ہو جاتے ہیں ان کے, کیونکہ قبول نہیں کرنا. سر پر حجاب رکھ لینے سے سمجھ لیتی ہیں کہ ہمارا پردے کا مقصد پورا ہو گیا, جبکہ تنگ جین اور چھوٹا بلاؤز پہنا ہوتا ہے. میں نئی آنے والی احمدی عورتوں سے بھی کہتا ہوں کہ پردے کی غرض حیا ہے, مرد اور عورت کے درمیان ایک حجاب قائم کرنا ہے, اپنے آپ کو مردوں کی غلط نظروں سے محفوظ رکھنا ہے. اس لیے صرف بال ڈھانک کر اور نیچے تنگ لباس پہن کر یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر لیا. اللہ تعالیٰ کا حکم آپ کی حیا کو قائم کرنا ہے. اسی طرح پاکستانی عورتوں کو بھی بہت زیادہ اپنے بالوں کی نمائش کی عادت ہے, وہ اپنے سر کی اوڑھنیوں کو بھی ٹھیک کریں, پردے کے مقصد کو پہچانیں. اکثریت مسلمان عورتوں کی بگڑ چکی ہے. اگر آپ جو حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتی ہیں یہ مانتی ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام تجدید دین کے لیے آئے تھے تو پھر اپنے نمونے قائم کریں. میں نے یو کے کے اجتماع پر بھی بتایا تھا کہ ان تمام نام نہاد آزادیوں کا مسلمان کہلانے والے ملکوں پر بھی اثر ہے, حتیٰ کہ پاکستان میں جو اپنے آپ کو شدت پسند مولویوں کے قبضے میں دے چکا ہے, وہاں آپ سنا ہے کہ ایسے لباس بھی آ گئے ہیں فیشن کے نام پر کہ شلوار قمیض اور کھلے گلے اور بغیر دوپٹے کے, صرف شلوار قمیض پہن کر بغیر دوپٹے کے جوان لڑکیاں اور عورتیں بازاروں میں پھرتی ہیں. عورت کیوں نہیں سمجھتی کہ فیشن کے نام پر وہ اپنے حیا کی نمائش بازاروں میں کر کے بے حیائی کے گڑھے میں گر رہی ہے؟ آزادی کے نام پر حیا اور زینت کی نمائش ایک وقت میں بھیانک نتائج ظاہر کرے گی, یاد رکھیں. بس احمدی عورت کو اپنی حیا, اپنی عزت, اپنی عصمت کی حفاظت کرنی ہے. یہاں بھی معاشرے کے زیر اثر بعض احمدی لڑکیاں ایسی ہیں جو حجاب اور پردے کی بات ہو تو رد عمل دکھاتی ہیں کہ ہم فیڈ اپ ہو چکے ہیں اس سے. اگر آپ کو پردہ کی سمجھ نہیں اور صرف
लजना की अहदेदारों या मेरे से डर कर पर्दा कर रही हैं और खुदा ताला की तालीम पर अमल की ख्वाहिश की वजह से नहीं है, खुदा ताला का प्यार हासिल करने के लिए नहीं है, तो बेफ़ायदा है। फिर ऐसा पर्दा मुनाफ़कत है। बाज़ लड़कियाँ इस मुआशरे से इतनी मुतासर हैं कि ये कहती हैं कि हम जैसे मैंने पहले भी कहा कि पर्दे की बातें सुन सुनकर आजिज़ आ गई। बस अगर किसी इंसान के दिखाने के लिए ये पर्दा है तो मेरी बातें सुनकर ज़रूर आजिज़ आएँ, आजिज़ आना चाहिए आपको, और बिल्कुल ठीक आजिज़ आती हैं। और अगर मेरी बातें सुनकर खुदा ताला के इस हुक्म पर नज़र जाती है कि मैं इसलिए नसीहत करता हूँ कि खुदा ताला फरमाता है कि नसीहत करो, नसीहत मोमिनों को फ़ायदा देती है, मोमिनात को फ़ायदा देती है, तो फिर आजिज़ आने का कोई जवाज़ नहीं। ये नेकी की बातें और इन पर अमल आपको खुदा ताला का प्यारा बनाएंगी। बस ये फ़ैसला पहले कर लें कि आपको खुदा ताला की रज़ा चाहिए या दुनिया की और दुनियादारों की रज़ा चाहिए। अगर खुदा ताला की रज़ा चाहती हैं तो फिर उसके हुक्मों पर गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने सिर्फ हुक्म नहीं दिए, हकूक भी कायम किए हैं। इन हकूक की तरफ क्यों नहीं देखती? आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लड़की के ये कहने पर कि मेरा बाप एक बड़ी उम्र के मर्द से मेरी शादी बग़ैर मेरी मर्ज़ी के कर रहा है, उस लड़की के बाप को इस शादी से रोक दिया था। क्या लड़की का हक़ नहीं कायम फरमाया आपने? और आपने फरमाया कि लड़की की मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए। मेरे पास भी कई बच्चियां आती हैं कि हमारे माँ बाप ज़बरदस्ती फलां जगह शादी करने का कहते हैं, जिन पर हमें तसल्ली नहीं, हमारे दिलों में उनकी बास है। मैं भी माँ बाप को समझाता हूँ। हमारी एक अहमदी बच्ची ने यहीं जर्मनी में यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, हिजाब और पर्दे पर मज़मून लिखा, बड़ा अच्छा मज़मून है। बस ऐसी बच्चियाँ हैं जो पढ़ी लिखी भी हैं, अपनी और जमात की इज़्ज़त और वक़ार को बुलंद करने वाली भी हैं। उसका गालबन ये रिसर्च पेपर है, इसमें उसने कहा है बड़े वाज़े तौर पर कि किस तरह हिजाब की क्यों ज़रूरत है और हिजाब क्या चीज़ है। उसे मैंने कहा है कि इसे जमाती रसाइल में भी शाया करवाओ ताकि दूसरी लड़कियों का एहसास कमतरी भी ख़त्म हो। बाज़ बच्चियों में एहसास है, ये भी सवाल उठता है कि जमात का टैलेंट इन पाबंदियों की वजह से ज़ाया हो रहा है, तो इस टैलेंट को ज़ाया होने से बचाया जाए। मैंने तो इस दौरे के दौरान यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली बच्चियों के साथ एक नशिस्त भी की थी, मुलाकात थी, 400-500 लड़कियां थीं। इसमें साइंस पढ़ने वालियां भी थीं, डॉक्टर बनने वालियां भी थीं, रिसर्च करने वालियां भी थीं, दूसरे मज़ामीन की आला तलीम हासिल करने वालियां भी थीं। इसके अलावा भी मुझे पढ़ी लिखी लड़कियां मिलती रहती हैं, शादीशुदा हैं और बड़ी सआदतमंद हैं। अहमदियत और ईमान उनके दिलों में कूट कूट के भरा हुआ है। अपने से कम पढ़े हुए मर्दों से भी बातों ने कुर्बानियां देकर शादी कर ली है और उनकी ये कुर्बानी यकीनन आइंदा नस्लों की इल्मी और अमली तरक्की में किरदार अदा करेगी इंशाल्लाह। मैं ये भी बता दूं कि ये गलत ख्याल है कि दूसरे के सामने हमारे मर्द औरत के जो अलहदा फंक्शन है होने से शायद हम बैकवर्ड कहलाते हैं या लोग इतराज़ करते हैं। एक तो मैंने पहले ही बता दिया है कि हमने दुनिया की इस्लाह करनी है, हमें चाहे जो कुछ भी कोई कहे, हमने अपनी तालीम से पीछे नहीं हटना। दूसरे समझदार लोग गैर भी जो हमारे इस अलहदगी को
समझते हैं तो मैं तो बरमला ये इजहार करते हैं कि यकीनन तुम्हारा मर्दों और औरतों को लहदा रखने का तरीक पुर हिकमत है। जलसा यूके पर भी गुज़श्ता साल एक खातून आईं, गालबन जर्नलिस्ट थीं, उन्होंने कहा, अंग्रेज़ थीं, कि पहले मैं सोचती थी कि औरतों को अलहदा रख कर औरतों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन औरतों के साथ सारा दिन गुजारने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि औरतों की आज़ादी ज़्यादा बेहतर रंग में कायम की गई है। अपने इनके इंतजामात हैं, औरतें हर वो काम कर रही हैं जो मर्द करते हैं और मर्दों की तरफ से कोई रोक टोक भी नहीं है। अगर मिलजुल के करेंगी तो मर्द हावी होते जाएंगे। फिर बल्कि कहने लगी, मैंने थोड़ी देर के लिए अपने आप को ज़रा अजीब महसूस किया था, लेकिन कुछ देर के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैं यहाँ इस माहौल में जहाँ बिल्कुल औरतें ही औरतें हैं ज़्यादा आज़ाद हूँ और मर्दों की नज़रों से भी बच रही हूँ। बल्कि कहने लगी, मुझे अपने चर्च में इतना इज्जत और एहतराम कभी नहीं मिला जितना यहाँ मिल रहा है। जो एक दिन अहमदियों के साथ और अहमदी औरतों के साथ गुजारने से मुझे मिला है। और इसी तरह की और भी बहुत सारी मिसालें हैं। बस किसी किस्म के एहसास कमतरी में मुबतला होने की ज़रूरत नहीं है। हमें यह देखना चाहिए कि हमारा दीन हमें क्या कहता है। अगर किसी के घर में कोई ज़ाती मसाइल हैं तो वह तालीम नहीं बल्कि उसके घरेलू मसाइल हैं, या माँ बाप की जहालत है जिसकी वजह से बाज़ वाक़ियात होते हैं। अल्लाह ताला तो कुरान करीम में फरमाता है कि औरतों से नेक बर्ताव करो, उनके जज्बात का ख्याल रखो, औरतों से अदल और इंसाफ का सलूक करो। निकाह में मेहर औरत को तहफ़ुज़ फराहम करने के लिए मुकर्रर है। तलाक की सूरत में औरत को दिया हुआ माल वापस लेने की ममानियत है। नेकी के अजर में औरत मर्द बराबर हैं, कोई तख़सीस नहीं। औरत की कमाई हुई मर्द का कोई हक नहीं है। घर चलाने की जिम्मेदारी मर्द पर है, ना कि औरत पर। पहले ज़माने में भी और बाज़ जगह आज भी लड़की की पैदाइश पर मर्दों और उनके ख़ानदानों की तरफ से नामुनासिब रवैये दिखाए जाते हैं अगर बच्चियां पैदा होती रहें। इस्लाम ने इसकी मजम्मत सख्ती से की है। गरज के बेशुमार हुक्म हैं, बस हमें यहाँ की आज़ादी देखकर दीवाना होने के बजाय ये देखना चाहिए कि इस्लाम ने कितनी आज़ादी दी है। अपने दिमाग को इस्तेमाल करके सोचें कि अल्लाह ताला के हुक्मों के फ़वाद कितने हैं। बस अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक आविदात और कानतात बने, इतात करने वालियाँ बने और दीन को दुनिया पर मुकदम करके ज़माने के इमाम के काम में मुआवन और मददगार बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला के फ़ज़लों को समेटने वाली बने। अल्लाह ताला आप सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अब दुआ कर लें। आमीन।